हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स आज हम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर के वन लाइनर क्वेश्चंस ये आपके जैसे कि एनएससी का एग्ज़ाम आ रहा है उसकी क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चर वर्ड इज़ ड्राइवड फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एग्री प्लस कल्चर क्वेश्चन नंबर सेकेंड ब्रांच ऑफ़ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट उसे क्या बोलते हैं आंसर इज एग्रॉनमी नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रॉनमी वर्ड ड्राइव फ्रॉम एग्रॉनमी वर्ड किस लैंग्वेज uh, से ड्राइव uh, किया गया है आंसर इज ग्रीक वर्ड एग्रो प्लस नॉमस नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप्स ऐसी क्रॉप जो कि सो की जाती हैं यो जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसकी यील्ड को सप्लीमेंट करते हैं उस क्रॉप को क्या बोलते हैं ऑगमेंट क्रॉप्स क्वेश्चन इज कैटल एंड बफलो बिलोंग्स टू फैमिली वो क्वेश्चन नंबर अ क्रॉप ग्रोन फॉर डायरेक्ट सेल रैदर देन फॉर लाइफ स्टॉक फीड और अ क्रॉप ग्रोन बाय अ फार्मर प्राइमेरली फॉर सेल टू अदर्स रैदर देन फॉर हिज और हर ओन यूज ऐसी क्रॉप जो कि सिर्फ सेल परपज के लिए ही ग्रो की जाती है उस क्रॉप को क्या बोलते हैं आंसर इज कैश क्रॉप्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन वैन मेन क्रॉप इज फोल्ड फील्ड ऐसी क्रॉप जो कि सो की जाती है जब क्या होता है कि हमारी मेन क्रॉप है वो फेल हो गई वो डैमेज हो गई उसकी जगह पे एक हम क्रॉप लगाते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ यील्ड मिल सके उस क्रॉप को क्या बोलते हैं कैच और कंटिजेंट क्रॉप्स नेक्स्ट क्वेश्चन वेन बोथ मेन एंड इंटर क्रॉप इज बेनिफिटेड टू ईच अदर उस क्रॉपिंग पैटर्न को क्या बोलेंगे जिसमें मेन क्रॉप और इंटर क्रॉप दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट हो रही हैं आंसर इज कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स नेक्स्ट क्वेश्चन जीनस ऑफ गोट इज आंसर इज कैप्रा कैपरा इज द जीनस ऑफ गोट नेक्स्ट क्वेश्चन क्रीफ क्रॉप्स आर जनरली डोनेटेड एज क्रीफ क्रॉप्स आर जनरली डोनेटेड एज शॉर्ट डे प्लांट्स क्वेश्चन नंबर इलेवन रबी क्रॉप्स आर जनरली डोनेटेड एज आंसर इज लॉन्ग डे प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन डे न्यूट्रल प्लांट्स आर डे न्यूट्रल प्लांट्स की एग्जाम्पल क्या है आंसर इज कॉटन मेज सनफ्लावर सेफ्लावर ग्राउंड नट एंड टोमेटो आर डे न्यूट्रल प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स ज़्यादातर फील्ड क्रॉप्स की डेप्थ ऑफ सोइंग क्या होती है आंसर इज थ्री टू फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन द सीड ऑफ अ क्रॉप वराइटी प्रोड्यूस्ड बाई द ब्रीडर विच इज इन स्मॉल क्वान्टिटी इज सेट टू बी जो सीड क्या है ब्रीडर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इन स्मॉल क्वान्टिटी उस सीड को क्या बोलते हैं न्यूक्लियस सीड नेक्स्ट क्वेश्चन द रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर एन पी के फर्टिलाइजर फॉर सीरियल क्रॉप्स इज फोर रेशो टू रेशो वन द रिकमेंडेड डोज ऑफ एन पी के फर्टिलाइजर फॉर पल्स क्रॉप इज वन रेशो टू रेशो वन और वन रेशो टू रेशो टू द रिकमेंडेड डोज ऑफ एन पी के फर्टिलाइजर फॉर ऑयल सीड क्रॉप्स इज़ आंसर इज़ थ्री रेशो टू इज टू वन क्वेश्चन नंबर एटीन द रिकमेंडेड डोज ऑफ एन पी के फर्टिलाइजर फॉर फॉर्डर एंड फाइबर क्रॉप इज आंसर इज टू इज टू वन इज़ टू फोर नेक्स्ट क्वेश्चन द रिकमेंडेड डोज ऑफ एन पी के फर्टिलाइजर फॉर फॉर्डर एंड फाइबर क्रॉप्स इज आंसर इज टू इज टू वन इज टू फोर नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्रॉप जोमेट्री इंश्योर्स यूनिफॉर्म सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी टू प्लांट किस क्रॉप जोमेट्री से यूनिफॉर्म सोलर रेडिएशन मिलती है प्लांट को आंसर इज स्क्र पैटर्न से नेक्स्ट क्वेश्चन द दकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज Tillage uh, next question Who is the father of tillage? Answer is Jethro Tull is the father of tillage. Next question The tillage operations mainly aims to break open and turn the soil are called uh, Answer is primary tillage. Next question The tillage operations uh, mainly aims to create a good seed bed for proper seeding and planting. Good seed bed preparation ke liye, jo tillage operations. किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी टलेज नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑप्टिमम रेंज ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर फॉर कन्वीन एंड इफेक्टिंग प्लोइंग प्लोइंग के लिए कितनी रेंज का सॉइल मॉइस्चर चाहिए होता है नेक्स्ट आंसर इज फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द क्रॉप्स लीव द फील्ड एग्जॉस्टिव आफ्टर ग्रोइंग आंसर इज आफ्टर ग्रोइंग एग्जॉस्टिव क्रॉप्स फील्ड uh, the क्रॉप्स लीव the फील्ड एग्जॉस्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू conserve soil moisture ऐसी क्रॉप्स जो सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए ग्रो की जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं आंसर इज मल्च क्रॉप्स नेक्स्ट क्वेश्चन द टिलेज वेयर क्रॉप इज प्लांटेड इन अनप्रिपेयर सॉइल उस टिलेज को क्या बोलेंगे यहाँ पर जो क्रॉप है बिना प्रिपेयर किए ही प्लांट कर दी गई है आंसर इज जीरो टिलेज नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्वर शूट एंड अनियन लीव्स आर सिम्टम्स कॉज्ड बाई सिल्वर शूट एंड अनियन लीव्स किस uh, चीज़ के सिम्टम्स हैं आंसर इज राइस गॉलमिज जब राइस गॉलमिज इफेक्ट करती है प्लांट को तब क्या है सिल्वर शूट एंड अनियन लीव्स शो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर ऑफ ग्रांसी स्टंट डिजीजेज आंसर इज ब्राउन प्लांट हॉपर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच पेस्ट ऑफ राइस अटैक डेट मिल्की स्टेज ऑफ राइस मिल्की स्टेज ऑफ राइस पर कौन सा पेस्ट है जो अटैक करता है आंसर इज गुंडी बग क्वेश्चन नंबर थर्टी टू वैक्टर ऑफ कॉटन लीव कर्ल वायरस कॉटन लीव कर्ल वायरस का वैक्टर कौन है आंसर इज वाइट फ्लाई क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री टॉप अपेयरेंस इन शुगर केन इज ड्यू टू बंजी टॉप अपेयरेंस शुगर केन में किसके अटैक के बाद शो होता है आंसर इज टॉप बोरर नेक्स्ट क्वेश्चन ईयर कॉकल ऑफ वीट इज ड्यू टू ईयर कॉकल किसके द्वारा किया जाता है आंसर इज एनग्यूना ट्रिटिसाई विच इज़ अ निमेटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन डबल सीड फॉर्मेशन इन कॉटन इज ड्यू टू किस इंसेक्ट पेस्ट के अटैक के बाद कॉटन में डबल सीड फॉर्मेशन हो जाती है आंसर इज पिंक वॉल नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लेयर्ड अप स्क्वेयर्स इन कॉटन इज ड्यू टू फ्लेयर्ड अप स्क्वेयर्स कब होते हैं uh, किस इंसेक्ट पेस्ट के अटैक के बाद होते हैं आंसर इज स्पॉटेड वॉल नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट हैदराबाद Question number 38 safest insecticide for honeybee is answer is endosulfan. endosulfan next question pest population should be kept below answer is etl etl means economic threshold level next question large circular bore holes with fecal pellets is the symptom hole symptom of अमेरिकन वॉल नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट पासिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट कब पास हुआ था आंसर इज नाइनटीन हंड्रेड फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इज द बेस्ट डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी अप्लाइड टू प्रीवेंट एंड इंक्रीजिंग बेस्ट पॉपुलेशन इज नोन एज मतलब कि हमें Uh, कब जो है कंट्रोल मेजर अप्लाई करने चाहिए ता जो पेस्ट पॉपुलेशन है आगे इंक्रीज ना हो उस पेस्ट डेंसिटी को क्या बोलते हैं आंसर इज इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर ऑफ द बुक साइलेंट स्प्रिंगल कार्सन नेक्स्ट क्वेश्चन द पेस्ट विचर्स फ्रीक्वेंटली ऑन स्पेसिफिक सीजनल क्रॉप्स जो पेस्ट सिर्फ सीजनल क्रॉप्स पर ही आता है फ्रीक्वेंटली आता है लेकिन उसे तो हम क्या बोलते हैं रेगुलर पेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इंसेक्टिसाइड एक्ट वॉज पासड इन द ईयर। आंसर इज नाइनटीन सिक्सटी एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सी ट्रीटमेंट इज सी ट्रीटमेंट का क्या सीक्वेंस रहता है आंसर इज सबसे पहले इंसेक्टिसाइड अप्लाई होता है फिर फंजीसाइड अप्लाई होता है एंड में कोई भी बायो फर्टिलाइजर जैसे कि राइस ये एंड में अप्लाई होगा तो इसे हम याद कर सकते हैं आई एफ आर हमेशा सीक्वेंस क्या रहेगा आई एफ आर इंसेक्टिसाइड पंजीसाइड देन राइजोबियम नेक्स्ट क्वेश्चन फादर ऑफ इंसेक्ट फिजोलॉजी इज विगल्स वर्थ विगल्स वर्थ इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंसेक्ट फिजोलॉजी क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट येलोइंग एंड डाउनवर्ड रोलिंग एंड कपिंग ऑफ लीव्स इज ये किसके सिम्टम्स हैं इट इज़ ड्यू टू कॉटन जैसेड क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन विच इंसेक्ट पेस्ट इज नोन एज लिंट स्टेनर लिंट स्टेनर किस इंसेक्ट पेस्ट को बोला जाता है आंसर इज रेड कॉटन बग एंड डस्की कॉटन बग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वेक्टर ऑफ राइस डिजीजेस आंसर इज ग्रीन लीफ ऑपर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन डिस्क प्लो इज यूज वन सॉइल इज डिस्क प्लो का यूज़ हम कब करते हैं जब सॉइल क्या होती है आंसर इज टफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज ट्रिटिकेल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर इज यूरिया क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलिस यूरिया हाइड्रोलिस के बाद फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है आंसर इज अमोनियम कार्बोनेट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव नबार्ड वो सेटअप रिकमेंडेशन ऑफ किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर नबार्ड बनाया गया था आंसर इज शिवार कमेटी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज़ अजोटो बैक्टर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज सिलीकुआ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट सप्लीमेंटल इरीगेशन सप्लीमेंटल इरीगेशन को और क्या बोलते हैं सप्लीमेंटल इरीगेशन इज नोन एज लाइफ सेविंग इरीगेशन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन मेजर एग्रीकल्चर इम्पोर्टिंग कमोडिटी इन इंडिया इज एटिबल ऑयल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी लूनी श्रेरे इज अ वाइटी ऑफ सुपर राइस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन प्लाट्स विद सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट सेम ही प्लांट पर मेल फ्लावर भी है फीमेल फ्लावर भी है उसे हम क्या बोलते हैं मोनोशियस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू नेशनल बायोडिवर्सिटी बोर्ड इज सटेटेड एट न्यू डेली क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज टू मेजर ब्यूफोर्ट स्केल क्या मेजर करता है विंड फोर्स और स्पीड क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर वन स्टैंडर्ड एटमोसफेयर इज इक्वल टू वन थाउजेंड थर्टीन पॉइंट टू फाइव एम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव डाई बैक ऑफ शूट्स अक्कर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ किसकी डेफिशिएंसी से डाई बैक ऑफ शूट्स होता है आंसर इज कॉपर क्वेश्चन नंबर नंबरेंस ऑफ ग्रे स्पॉट्स किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं आंसर इज मैंगनीज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर केन इज रेड ऑफ शुगर केन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट पोटैटो आर बॉर्न ऑन आंसर इज स्टोलन्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन सोइंग ऑफ शुगर केन इन ट्रेंच मेथड इज हेल्पफुल टू प्रिवेंट ट्रेंच में शुगर केन को सो किया जाता है टू प्रिवेंट लॉजिंग ताकि वो गिरे मत क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फॉर सीड परपजस कैरेट इज ग्रोन एज आई नेक्स्ट क्वेश्चन बोरन इज हेल्पफुल टू प्लांट्स वेन कंसनट्रेशन इज मोर देन थ्री पी पी एम क्वेश्चन नंबर सेवनटी टू विच क्रॉप हैज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अमंग द सीरियल्स सीरियल्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस क्रॉप की है आंसर इज मेज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री क्योलेन इज अ टाइप ऑफ लैक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट क्वेश्चन नंबर सेवनटी फोर साइकोसिल इज द ग्रोथ रिटार्डेंट नेक्स्ट क्वेश्चन फैमिली ऑफ सी सेम इज पेडल एसीए नेक्स्ट क्वेश्चन फैमिली ऑफ जूट इज टी ए सी ए टी एसीए इज द फैमिली ऑफ जूट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन एग्जॉस्टिव फैमिली ऑफ क्रॉप्स इज ग्रामीण क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट ओरिजन ऑफ मेज इज मेज का ओरिजन कहाँ से हुआ था मैक्सिको ओरिजन ऑफ सोयाबीन इज चाइना वो रिजन ऑफ टबैको प्लांट इज मैक्सिको क्वेश्चन नंबर एट्टी वन इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसिस इज पब्लिश्ड बाई ये जर्नल कहाँ से पब्लिश होता है आई सी आर इसे पब्लिश करती है नेक्स्ट क्वेश्चन जेलोइंग ऑफ टी लीज इज ड्यू टू डेफिशंसी ऑफ सल्फर क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री द ग्रीन हाउस गैस दैट रिलीज फ्रॉम पेडी फील्ड पेडी फील्ड से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है आंसर इज मिथेन क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर द एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो है स्वीट पोटैटो का एडिबल पार्ट कौन सा है एडवेंटिशियस रूट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन टेकिंग डेटिंग टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स नेक्स्ट क्वेश्चन द इरीगेशन मैथड विच इज सुटेबल फॉर सेलाइन सॉइल सेलाइन सॉइल के लिए कौन सा इरीगेशन मैथड सबसे ज़्यादा सुटेबल है आंसर इज फ्लडिंग मैथड क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन एलिमेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डिजीज एंड रॉट रेजिस्टेंस डिजीज एंड रॉट रेजिस्टेंस में कौन सा एलिमेंट काम करता है पोटाशियम क्वेश्चन नंबर एटी एट एलिमेंट इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज इन प्लांट्स कौन सा एलिमेंट एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज में काम आता है आंसर इज फॉस्फोरस नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर टर्म्ड एज एजेंशियल न्यूट्रिएंट्स? आंसर इज सेवनटीन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी हाउ मैनी न्यूट्रिएंट्स आर टर्म्ड एज एजेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स आंसर इज सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर नाइंटी वन एपिकल बर्ड डोमिनेंस इज कॉज ड्यू टू आंसर इज ऑक्जिन हॉर्मोन नेक्स्ट क्वेश्चन सीड रेट ऑफ सॉर्गम इज नाइन टू ट्वेल्व के जी पर हैक्टेयर नेक्स्ट क्वेश्चन डी सक्रिंग इज अम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इन डी सकरिंग किस क्रॉप में की जाती है आंसर इज टोबैको नेम दीड विच वॉज फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल कौन सा वीड है जो सबसे पहले बायोलॉजिकली कंट्रोल किया गया था आंसर इज लेंटेना कैमरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट वेयर सीड लॉ आर अडोप्ट आंसर इज कर्नाटका इट इज द फर्स्ट स्टेट वेयर सीड लॉज आर नेक्स्ट क्वेश्चन मॉइस्चर टेंशन डायरेक्टली मेजर्ड बाय मॉइस्चर टेंशन किससे मेजर किया जाता है आंसर इज टेंशोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन इव एप्पो ट्रांसपीरेशन इज मेजर्ड बाय लाइसी क्वेश्चन नंबर नाइंटी एट पार्शल फ्ल्यूम इज़ यूज फॉर मेज़रमेंट ऑफ यहाँ पे पार्शल फ्ल्यूम है फ्लेम नहीं है पार्शल फ्ल्यूम इज़ यूज फॉर मेज़रमेंट ऑफ वाटर फ्लो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लड इरीगेशन मेथड इज़ सुटेबल इन द क्रॉप किस क्रॉप के लिए फ्लड इरीगेशन मेथड मोस्ट सुटेबल है आंसर इज राइस एंड जूट नेक्स्ट क्वेश्चन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन थ्रू इरीगेशन इज नोन एज इस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं यहाँ पर इरिगेशन के साथ ही फर्टिलाइजर अप्लाई किया जाता है इट इज नोन एज फर्टिगेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैटल एंड बर्फलो बिलोंग्स टू फैमिली बोविडीए जीनस ऑफ गोट इज कैपरा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थ्री ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिशरीज नेक्स्ट क्वेश्चन सुरथी बफ्लो ब्रीड इज़ अ नेटिव ऑफ ये कहाँ की नेटिव है गुजरात नेक्स्ट क्वेश्चन टोडा इज़ अ ब्रीड ऑफ टोडा किस एनिमल की ब्रीड है आंसर इज बफ्लो नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम फैट परसेंटेज इन मिल्क ऑफ किसके मिल्क में मैक्सिमम फैट परसेंटेज होती है आंसर इज भदावरी नेक्स्ट क्वेश्चन हाइएस्ट मिल्क यील्डर इज मुर्रा नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एम डी इज कॉज बाई एफ एम डी क्या है फुट एंड माउथ डिजीजेज इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है आंसर इज वायरस स्प्लिनिक फीवर इज अनदर नेम फॉर एंथ्रेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन डूअल परपज ब्रीड ऑफ काउ इज आंसर इज थार पार्कर क्वेश्चन इज कैटल प्लेग इज अनदर नेम फॉर किस डिजीज का एक दूसरा नाम कैटल प्लेग है आंसर इज रिंडर बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन येलो कलर ऑफ काओ मिल्क इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ येलो कलर किसकी वजह से होता है मिल्क का आंसर इज कैरोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन काउ मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड काउ मिल्क प्रोटीन का क्या नाम है कैसेन नेक्स्ट क्वेश्चन मिल्क शुगर इज आंसर इज लैक्टोज नेक्स्ट क्वेश्चन विच एलिमेंट इज डेफिशियट इन मिल्क मिल्क में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता हम बोल सकते हैं डेफिशेंसी होती है मिल्क में आंसर इज आयरन नेक्स्ट क्वेश्चन राठी इज अ कॉमन ब्रीड इन राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन मिल्क शेयर कंज्यूम्ड फॉर होल मिल्क परपज इज आंसर इज वन बाय थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्लोन डॉली वॉज मेड इन डॉली क्लोन किस एनिमल का था आंसर इज शीप नेक्स्ट क्वेश्चन डॉली इज क्रिएटेड बाय विट नेक्स्ट क्वेश्चन कैटल डिजीज ट्रांसफर टू मैन इज नोन एज जो डिजीजेज ह्यूमंस में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं कैटल्स की उन्हें क्या बोलते हैं एंथ्रेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ वूल इज राजस्थान टेम्परेचर फॉर एल टी एल टी पास्चराइजेशन इज सिक्सटी वन टू सिक्सटी थ्री डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन फीमेल लैम बेज फीमेल लैम को क्या बोलते हैं ईव क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फोर मैक्सिमम शीप पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन मेरीनो इज़ डेवलप्ड इन मेरीनो कहाँ पर डेवलप हुई थी फ्रांस क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स अ सिस्टम ऑफ टिलेज इन विच ऑर्गेनिक रेजिड्यूज आर नॉट इन्वर्टेड इन टू द सॉइल एंड यूज एज प्रोटेक्टिव कवर अगेंस्ट इरोजन एंड वेपोरेशनल लॉसेज ऑफ सॉइल मॉइस्चर उस टिलेज को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक रेजिड्यू को पलटा नहीं जाता और उसे क्या है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर यूज किया जाता है आंसर इज कंजर्वेशन टिलेज और स्टबल मल्च टिलेज नेक्स्ट क्वेश्चन रिज फ्लो इज यूज फॉर अर्दिंग अप एंड फॉर्म रिजेज एंड फरोज डिस्क प्लो इज यूज फॉर डिस्क प्लो का यूज किया जाता है आंसर इज डीप्रासइंग के लिए डिस्क प्लो का यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन मैकेशन इंडेक्स इज फाउंड हाइस्ट इन वीट क्रॉप क्वेश्चन नंबर वन थर्टी राइस बिलोंग्स टू द फैमिली राइस की फैमिली कौन सी है पोएसीए नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोटीन कंटेंट इन पैडी इज पैडी में प्रोटीन कंटेंट कितना है आंसर इज सिक्स टू सेवन परसेंट और इसके प्रोटीन को क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइस इन फ्लोरसेंस इज कॉल्ड एज राइस इन फ्लोरसेंस को क्या बोलते हैं पैनिकल क्वेश्चन नंबर वन थर्टी थ्री सोइंग ऑफ पैडी इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टिंग इन अक्टूबर इज कॉल्ड एज किस राइस में ऐसा होता है अमन खरी फॉर अफगानी राइस नेक्स्ट क्वेश्चन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉनेस इन राइस राइस डॉनेस के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है आंसर इज डी जी ओ वू जेन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वरायटी ऑफ राइस इज कॉल्ड एज मिरेकल राइस मिरेकल राइस किस वायटी को बोलते हैं आंसर इज आई आर एट नेक्स्ट क्वेश्चन इन डेपोग मेथड सीडलिंग्स आर रेडिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग आफ्टर डेपोग मेथड में कितने दिन का जो सीडलिंग है वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाता है आंसर इज इलेवन टू फोर्टीन डेज ऑफ सोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन राइस प्रेफर्स नाइट्रोजन अपटेक इन राइस में नाइट्रोजन अपटेक किस फॉर्म में होती है अमोनिकल फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन राइस राइस की क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन कौन सी है टिलरिंग टू फ्लारिंग स्टेज क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन अरोमा इन राइस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइस में जो अरोमा है वो किसकी वजह से है आंसर इज डाई एसिटाई वन प्रोपाइलिन की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन गैस मीटर फ्रॉम राइस फील्ड इज ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन आंसर इज मिथेन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइट राइस ऑफ वाइट आई ऑफ राइस इज कॉज बाई वाइट आई एक सिम्टम आ जाते हैं राइस में वो किसकी वजह से होते हैं आयरन डेफिशेंसी की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोथर्मल प्रोसेस ऑफ राइस विच सेव विटामिन बी ट्वेल्व उस प्रोसेस को क्या आप बोलते हैं आंसर इज पार बॉइलिंग क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी थ्री वीट प्रोटीन इज कॉल्ड वीट प्रोटीन को क्या बोलते हैं ब्लूटन क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फोर द प्रोटीन कंटेंट ऑफ वीट इज वीट में कितना प्रोटीन कंटेंट होता है आंसर इज एट टू इलेवन परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द फ्लारिंग पोर्शन ऑफ वीट इज और बोल सकते हैं कि इन फ्लोरसेंस ऑफ वीट इज नोन एज हेड ईयर और स्पाइक नेक्स्ट क्वेश्चन परमानेंट रूट्स ऑफ वीट अपीयर आफ्टर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू डेज ऑफ सोइंग उन रूट्स को क्या बोलते हैं क्राउन रूट्स नेक्स्ट क्वेश्चन द सेलिंग परसेंटेज ऑफ वीट इज वीट की शेलिंग परसेंटेज कितनी है आंसर इज सिक्सटी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर्लिंग इंडेक्स इन वीट इंडेक्स क्या मेजर करता है कर्नल हार्डनेस को मेजर करता है नेक्स्ट क्वेश्चन द हाइएस्ट ग्रोन वीट स्पीशीज इन इंडिया इज इंडिया में कौन सी वीट स्पीशीज सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है आंसर इज ट्रिटिकम पेस्टाइवम नेक्स्ट क्वेश्चन हुलिंग परसेंटेज ऑफ राइस सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी वन शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस माइटोसिस का शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है एनाफेज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेज वेयर डी एन ए सिंथिस अक्कर इन माइटोसिस माइटोसिस में कौन सी स्टेज में डी एन ए सिंथिस होती है आंसर इज इंटरफेस नेक्स्ट क्वेश्चन म्योसिस टर्म वॉज फर्स्ट गिवन बाय म्योसिस टर्म किसने दी थी आंसर इज जेबी फार्मर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच टाइप ऑफ सेल्स डज द म्योसिस अक्कर म्योसिस किन किस टाइप के सेल्स में होती है आंसर इज रिप्रोडक्टिव सेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेज क्रॉसिंग ओवर अक्कर इन मेोसिज क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है मेोसिज में पैकिटीन स्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन क्याजमा अक्कर फॉर्मेशन किस स्टेज में होती है आंसर इज डिप्लोटीन स्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटाफेज वन के दौरान क्या है स्पिंडल फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन रीडिस्कवरी ऑफ में रीडिस्कवरी का काम किसने किया था हुई एरिकरिक नेक्स्ट क्वेश्चन मंडीलियन पॉपुलेशन इज ऑल्सो नोन एज मंडीलियन पॉपुलेशन को और क्या कहा जाता है रेंडम शन पॉपुलेशन थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक uh, है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेंडल वर्कस ऑन सेवन कंट्रास्टिंग करेक्टर्स ऑफ क्रॉप गार्डन पी पे काम किया था मेंडल ने नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डी एन एज प्रपोज बाई डी एन ए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था वाटसन एंड क्रिक ने नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मैसेंजर आर एन एम आर एन ए टू प्रोटीन इज नोन एज इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन एन एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन एक जीन का एक्सप्रेशन डिपेंड कर रहा है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर जीन इन एन इंडिविजुअल इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे एपिस्टेसिस और जीन इंट्रैक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोक्रॉस हाइब्रिड मोनोक्रॉस हाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो कितनी होगी थ्री इज टू वन फिनोटिपिक रेशियो ऑफ्रिड इज नाइन इज टू थ्री टू थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिपलेट सीक्वेंस फाउंड इन एम आर एन ए विच कोर्ट फॉर सिंगल हमाइनो एसिड इज नोन एज कोडोन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज गिवन बाई नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी सी डार्विन ने चार्ल्स डार्विन क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी एट हुव थ्यूरी ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर थ्यूरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर किसने दी थी लामार्क ने नेक्स्ट क्वेश्चन जीन फॉर सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स के जीन किस uh, किसके ऊपर लोकेटेड होते हैं वाई क्रोमोसोम पर नेक्स्ट क्वेश्चन हेम्पलॉयड नंबर ऑफ ट्रिटिकम एस्टाइबम इज ट्वेंटी वन Next question is monosomic haploid is 2n minus 1. Double monosomic is denoted as 2n minus 1 minus 1. Nullisomic is denoted as 2n minus 2. Triploids are useful for seedless fruits. Next question the term primary center of origin was proposed by Vavilov. नेक्स्ट क्वेश्चन माइकोराइजा इज द सिम्बाइटिक एसोसिएशन बिटवीन माइकोराइजा किसमें किस किस में एसोसिएशन होती है फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्कुलर आर वेस्कुलर माइकोराइजा इज यूज एज और वैम इज़ यूज एज फॉसफोरसोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया नेक्स्ट क्वेश्चन सीरियल्स आर डेफिशियंट इन विच माइनो एसिड सीरियल्स में कौन सा माइनो एसिड डेफिशियंट होता है लाइसिन नेक्स्ट क्वेश्चन अमाइनो एसिड्स विच इज डेफिशिएंट इन लेग्यूम्स लेग्यूम्स में कौन सा अमाइनो एसिड डेफिशिएंट होता है आंसर इज मिथुनिन नेक्स्ट क्वेश्चन पावर टिलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ आंसर इज पैडी नेक्स्ट क्वेश्चन टेट्राजोलियम टेस्ट इज डन फॉर टेट्राजोलियम टेस्ट हम करते हैं सी टू टेस्ट द वायबिलिटी ऑफ सीड नेक्स्ट क्वेश्चन इन वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड एट राइस नर्सरी में लेवल ऑफ वाटर कितना मेंटेन होना चाहिए आंसर इज फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर ऑब्जॉर्व बाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कौन ऑब्जॉर्व करता है आंसर इज ओजोन लेयर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ आई सी आर इज आई सी आर के फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर कौन बने थे आंसर इज डॉक्टर बी विश्वनाथन नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन फॉर वीट वीट की क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन कौन सी है आंसर इज क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो के ट्वेंटी वन डेज आफ्टर सोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूमिंग इज प्रैक्टिस ऑफ राइस कल्टिवेशन इन आंसर इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट वाटर आर नोन एज जो प्लांट्स सॉल्ट वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेलोफाइट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉप कैनोपी यू टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय इंफ्रारेड रेड थर्मोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन रेक्लेमेशन डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ रेक्लेमेशन डिजीज किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है कॉपर नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस इज अप्सिस एसिड और इसे हम ए बी ए बी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन यूज्ड एज हर्बिसाइड किस हार्मोन को एज अ हर्बिसाइड यूज किया जाता है आंसर इज टू फोर डी नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ अनाइन एंड कटाइन फॉर्म जो बोथ अनाइन फॉर्म में भी अवेलेबल है और कटाइन फॉर्म में भी अवेलेबल है वो एलिमेंट है नाइट्रोजन नेक्स्ट क्वेश्चन डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज कौन सा हार्मोन है जो डोरमेंसी को ब्रेक करता है आंसर इज जिप्रिल जिब्रैलिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन रिंगवॉम डिजीज इज कॉज्ड बाय रिंगव डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है फंगस क्वेश्चन नंबर वन नाइनटी सिक्स मानसून रिस्पॉन्सिबल टू कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु तमिलनाडु में रेनफॉल किसकी वजह से होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट्स इज अचीव्ड बाई ए बी ए विच इज अ हॉर्मोन अप्सिस्टिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम प्रमिजिबल लिमिट ऑफ बाई यूरेट इन यूरिया यूरिया में बाई यूरेट की मैक्सिमम प्रमिजिबल लिमिट कितनी है आंसर इज वन पॉइंट फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन कंटेंट कितना होता है आंसर इज फिफ्टी एट परसेंट क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड बायो फर्टिलाइजर यूज इन वीट इज वीट में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है आंसर इज अजोटो बेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन बायो फर्टिलाइजर यूज इन सॉर्गम एंड ग्रासेस सॉर्गम एंड ग्रासेस में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है ओजो स्पाइरलम नेक्स्ट क्वेश्चन वर्टिकल मल्च इज यूज इन विच टाइप ऑफ सॉइल्स किस टाइप ऑफ सॉइल में वर्टिकल मल्च यूज किया जाता है इन ब्लैक कॉटन सॉइल्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्राइटेरिया ऑफ एजेंशियलिटी इज गिवन बाई क्राइटेरिया ऑफ एजेंशियलिटी किसने दिया था आर्न एंड स्टाउट ने नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर वीट इज वीट में स्पेसिंग ऑप्टिमम स्पेसिंग कितनी होती है आंसर इज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉन ट्रेडिशनल एरिया फॉर कल्टिवेशन ऑफ वीट इज ईस्टर्न इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर फॉसफोरस फर्टिलाइजर कॉमनली यूज इन इंडिया इज इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉसफोरस फर्टिलाइजर कौन सा यूज होता है आंसर इज डी ए पी नेक्स्ट क्वेश्चन बायो फर्टिलाइजर मोर सूटेड फॉर शुगर केन इज आंसर इज अटो पैक्टर क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड एट डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर सोयाबीन सीड सोयाबीन सीड की डेप्थ ऑफ सोइंग क्या है आंसर इज थ्री सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वराइटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज इंडिया में राइस की सबसे पहली कौन सी वराइटी आई थी आंसर इज टी एन वन

नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोमिनंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया इज इंडिया में सबसे ज्यादा सॉइल ग्रुप कौन सा पाया जाता है आंसर इज एलुवियल सॉइल नेक्स्ट क्वेश्चन इन सिंगल सुपर फॉस्फेट सल्फर कंटेंट इज 12%. Next question: Which micronutrient is deficient in Indian soils? Indian soils may contain micronutrient deficient. Hai? Answer is zinc. Next question: Which macronutrient is deficient in Indian soils? Indian soils may contain macronutrient deficient. Hai? Answer is nitrogen. Next question: Spike tooth harrow is a type of implement. It is a secondary tillage implement. नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट वाइडली यूज मटीरियल फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी सॉइल एसिडिटी को करेक्ट करने के लिए कौन सा मटीरियल कॉमनली यूज किया जाता है आंसर इज लाइम क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड एटीन डायरा कल्टिवेशन मेथड इज फॉलोड इन कुकर बेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सी एन रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज टेन इज टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल सीड एक्ट वॉज पासड इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी वन नेशनल सीड कॉरपोरेशन कंपनी थी नाइनटीन सिक्सटी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन रूट प्रमोटिंग इज प्लांट्स में रूट्स को प्रमोट करने वाला हॉर्मोन कौन सा होता है आंसर इज आई बी ए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग इज Answer is NAA, which means naphthalene acetic acid. Next question: Bench terracing is done when slope is more than 15%, that is 16 to 33%. Next question: Mass per unit volume is known as bulk density. नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस इन राइस फील्ड राइस फील्ड में कौन सी प्रैक्टिस कॉमनली की जाती है आंसर इज पडलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इन सीरियल्स अकाउंट्स फॉर सीरियल्स में पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद कितने लॉसेज होते हैं टेन परसेंट साल्टेसन इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन नेक्स्ट क्वेश्चन इरीगेशन एफिशंसी ऑफ लोमी सॉइल्स इज आंसर इज सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड थर्टी स्विंग पैटर्न यूज इन ड्राई लैंड ड्राई लैंड में कौन सा स्विंग पैटर्न यूज किया जाता है आंसर इज ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग मीन्स रफली हाथ के साथ जैसे छीटा दे देना सीड का उसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट एफिशियंट मेथड ऑफ इरीगेशन इज ड्रिप इरीगेशन नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटेंसिवली ग्रोन पल्स क्रॉप इन इंडिया इज इंडिया में कौन सी क्रॉप पल्स क्रॉप ग्रो की जाती है ज़्यादातर आंसर इज पी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉप्स ग्रोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर जो क्रॉप सॉइल मॉइस्चर को uh, कंजर्व करने के लिए ग्रो की जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं मल्च क्रॉप्स नेक्स्ट क्वेश्चन इरोजन परमिटिंग क्रॉप की एग्जाम्पल कौन से हैं मेज़ एग्जाम्पल ऑफ एरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप जो सॉइल एरोज़न नहीं होने दिखते आंसर इज काउपी एंड ग्राउंडनट नेक्स्ट क्वेश्चन द हर्बिसाइड यूज एज प्री प्लांट इन कारपोरेशन इज कौन सा हर्बिसाइड एज अ प्री प्लांट इन कार्पोरेशन यूज होता है आंसर इज फ्लू क्लोर एलिन नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ सी थ्री वीड इज सी थ्री वीड कौन सा है बाथू स्क्वेटर भी बोलते हैं इसे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुटेनिकल नेम ऑफ टू रोड टू रेड पार्ले का बुटेनिकल नेम क्या है आंसर इज हॉर्डियम डिस्टिकॉन नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ सिक्स रोड पार्ले सिक्स रोड बार्ले का बुटैनिकल नेम क्या है हॉडियम वलगेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच क्रॉप फर्स्ट ए आई आर सी पी

नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉप सुटेबल फॉर सॉयल पी एच फोर टू सिक्स आंसर इज राइस पोटैटो एंड टी नेक्स्ट क्वेश्चन रेड हेमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें रेड हेमोग्लोबिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान इज अबाउट फाइव हंड्रेड to 575 uh, mm question number 246 aminophilic plants are sugarcane and rice next question country having hundred percent of the crop dairy under irrigation answer is egypt next question country having highest irrigation efficiency answer is israel next question country having highest irrigated area answer is india नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिकल वेवलेंथ इन रिमोट सेंसिंग रेंज इज़ पॉइंट थ्री टू फिफ्टीन एम एम क्वेश्चन नंबर टू फिफ्टी वन इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एंड यूज़ हाइब्रिड्स इन बाजरा द नेम ऑफ द हाइब्रिड इज इंडिया पहली कंट्री थी जिसने बाजरा का हाइब्रिड डेवलप किया और यूज़ किया उसका नाम क्या था आंसर इज एच बी वन ये डेवलप हुआ था नाइनटीन सिक्सटी फाइव में Next question in India, which crop is having maximum area under irrigation? Answer is wheat. Next question, most extensively grown fruit crop in the world is? Answer is mango. Next question, Pusa giant is the variety of Pusa giant, kiski variety hai? Answer is bursine, napier grass, and papaya. Next question, type of soil water which is most useful for plants? Uh, सॉइल वाटर की कौन सी टाइप है जो कि मोस्ट यूजफुल है फॉर प्लांट्स इज कैपिलरी वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन एट इक्वेटर डे एंड नाइट्स आर ऑलवेज इक्वल नेक्स्ट क्वेश्चन हॉरिजोनटल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर एरिया टू कूलर एरिया द इफेक्ट इज नोन एज हॉरिजोंटल हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम वार्मर एरिया गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं आंसर इज क्लोथ लाइन इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वर्टिकल हीट ट्रांसफर जो वर्टिकल हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वार्मर एरिया टू कूलर एरिया द इफेक्ट इज नोन एज आंसर इज ओएसिस इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द इंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज नाइट्रोजन रिडक्शन में कौन सा इंजाइम काम करता है आंसर इज नाइट्रोजिनेस द एलिमेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन इज नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स रिक्वायर द पी एच रेंज फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ इज ज़्यादातर फील्ड क्रॉप्स में ग्रोथ uh, के लिए ऑप्टिमम रेंज ऑफ पी एच क्या है आंसर इज सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन डब्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाई अ क्रॉप उसे क्या बोलते हैं इट इज़ नोन एज डेल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया इरीगेटेड बाई वन क्यूसिक डिस्चार्ज ऑफ वाटर इट इज़ नोन एज ड्यूटी क्वेश्चन नंबर टू सिक्सटी फोर पीरियड इन डेज फॉर विच इरीगेशन इज सप्लाई टू अ क्रॉप इट इज नोन एज बेस पीरियड रेंसिडिटी इन सनफ्लावर इज ड्यू टू सो यहाँ पर स्लाइड में कुछ दिक्कत है बट इसका आंसर है इट इज़ ड्यू टू ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी इन सनफ्लावर इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन वराइटीज ऑफ ब्लैक ग्राम आर टी नाइन पंथ एंड यू नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट वन परसेंट सोल्यूशन इन फाइव हंड्रेड लीटर ऑफ वाटर इज फाइव हंड्रेड एम एल नेटिक लॉ किसने दिया था हॉपकिंस ने नेक्स्ट क्वेश्चन एज सेबिस एंटीडोट्स इसकी एग्जाम्पल क्या है एन नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉप विच हैज हाइस्ट पोटाशियम अपडेट अपटेक आंसर इज पोटैटो नेक्स्ट क्वेश्चन द लो प्रेशर एरिया नियोर द इक्वेटर इज कॉल्ड एज इट इज नोन एज डोल ड्रम्स नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राया कॉन्टानॉल इज अ ग्रोथ स्टिमुलेंट ऑबेंड फ्रॉम ट्राया कॉन्टानॉल हमें का आंसर मिलता है लीज ऑफ ल्यूसर से नेक्स्ट क्वेश्चन टिलेज इंक्रीजेज डैश एंड डैश ऑफ सॉइल टिलेस से क्या इंक्रीज होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है सॉइल की एंड इनफिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन टिले डिक्रीज द डैश डेंसिटी ऑफ सॉइल टिलेज के कारण कौन सी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है आंसर इज बल्क डेंसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लेड इज ऑल्सो नोन एज पक्खड़ विच इज यूज फॉर वीड कंट्रोल बिफोर सोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर ऑफ राइस टूंगरू डिजीज राइस टूंगरू डिजीज का वेक्टर क्या है ग्रीन लीफ ऑपर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइकोग्रामा इज एन इट इज एन एग पैरासिटॉइड क्वेश्चन नंबर टू सेवेंटी एट वैक्टर ऑफ कॉटन लीफ कर्ल वायरस इज आंसर इज वाइट फ्लाई वाइट फ्लाई एक्ट एज अ वैक्टर ऑफ कॉटन लीफ कर्ल वायरस जो कि कॉटन का एक मेजर इंसेक्ट पेस्ट भी है वाइट फ्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन डबल सीड फॉर्मेशन इन कॉटन इज ड्यू टू डबल सीड फॉर्मेशन कॉटन में होता है पिंक वॉल के अटैक के कारण नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लेयर्ड अप स्क्वेयर्स इन कॉटन इज ड्यू टू इट इज ड्यू टू द अटैक ऑफ स्पॉटेड वॉल नेक्स्ट क्वेश्चन एग पैरासीटॉइयड ऑफ शुगर केन पायरिल्ला शुगर केन पायरिल्ला के एग पैरासिटॉइयड का क्या नाम है इट इज इपेरिकेनिया मिलानोलीव का इट इज़ इट्स साइंटिफिक नेम नेक्स्ट क्वेश्चन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट नर्सरी वीट नर्सरी का इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है दैट इज गुजिया वीबल नेक्स्ट क्वेश्चन पेस्ट दैटर इन अ स्पेसिफिक एरिया ईयर आफ्टर ईयर जो एक पर्टिकुलर एरिया में हर साल के साल दर साल अटैक करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं एंडेमिक पेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन टोमैटो लीव कर्ल इज ट्रांसमिटेड बाई इट इज ट्रांसमिटेड बाई वाइट फ्लाई क्वेश्चन नंबर टू एटी फाइव यूवेनाइल हॉर्मोन इज सिक्रेटेड बाई यूवेनाइल हॉर्मोन कहाँ से सिक्रिएट होता है इट इज सिक्रिएटेड बाय कॉरपोरा अलाटा नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग इज कॉल्ड इट इज नोन एज एपी कल्चर क्वेश्चन नंबर टू एटी सेवन न्यूली हैज्ड सिल्क वॉर्म लार्वा इज टेक्निकली नोन एज इट इज नोन एज कैंगो

द रिकमेंडेड ट्रैप क्रॉप फॉर आई पी एम ऑफ टोमैटो फ्रूट बोरर आई पी एम मीन्स इंटीग्रेटेड बेस्ट मैनेजमेंट टोमैटो फ्रूट बोरर के लिए रिकमेंडेड ट्रैप क्रॉप कौन सी यूज की जाती है आंसर इज अफ्रीकन मैरीगोल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेमिक सोन विच इज अर्बी साइड इज ऑल्सो नोन एज पैराक्वेट नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्टाइल फीमेल हनी बी हनी बी में जो फर्टाइल फीमेल होती है उसे क्या बोलते हैं आंसर इज क्वीन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टिकी बैंड्स अराउंड ट्री ट्रंक्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रंक के अराउंड स्टिकी बैंड्स लगा दिए जाते हैं ये किस पेस्ट के कंट्रोल के लिए लगाए जाते हैं आंसर इज मैंगो मिली बग नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्फोस इज द कमर्शियल नेम ऑफ आंसर इज एलुमीनियम फॉसफाइड Next question, Helicoverpa armizera is the scientific name of? Answer is American wallworm. Next question, in mustard sawfly, which organ is saw like? Mustard sawfly, a cons organ, saw like. Answer is ovipositor. Next question, no disease of honeybee is caused by? nosema disease disease causal organism. Answer is fungus. Next question, uh, नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड बेस्ट मैनेजमेंट एनसीआई एट न्यू डेली क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेडर हैजोटल कितने आंसर इज टेन नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंसर इज एच एस प्रूथी एच एस प्रूथी वॉज द फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन द मेजर प्रोटीन फाउंड इन सिल्क इज सिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आंसर इज फिब्रॉइन नेक्स्ट क्वेश्चन पीरियड बिटवीन टू मोल्ड्स इन इंसेक्ट इज नोन एज जब इंसेक्ट uh, क्या होते हैं मोल्डिंग में जाते हैं जो उसके बीच का पीरियड होगा दो मोल्ड के उसे हम क्या बोलते हैं आंसर इज टेडियम नेक्स्ट क्वेश्चन बर्न हॉपर बर्न सिस्टम इज ड्यू टू लीफ हॉपर्स क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड फाइव फर्स्ट फ्यूज्ड सेगमेंट ऑफ हाइमेोप्ट्रा इज नोन एज हाइमेप्ट्रा की जो फर्स्ट फ्यूज्ड सेगमेंट है उसे क्या बोलते हैं आंसर इज प्रोपोडियम नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्रिंकलर सिस्टम प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लॉड्स बाई विच फिनमिना इट रिलीज ड्यू टू द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्लिटिंग ऑफ पॉड्स और फ्रूट इन करेक्टरिस्टिक मैनर एट मेच्योरिटी इज नोन हैजहाइसेंस क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड एट कंटीन्यूअस कंजम्प्शन ऑफ लथाइरस कॉजिस विच डिजीज अगर हम लथाइ लथायरस का कंटिन्यूस कंजम्पशन करते हैं तो कौन सी डिजीज हो जाती है आंसर इज लथाइरिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन लथायरिजम डिजीज इज कॉस ड्यू टू कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ लथायर बिकॉज इट कंटेन्स इसमें ऐसा क्या होता है आंसर इज बी ओ ए बेंजो ऑक्सिलिन एसिटिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन द कैटल कंज्यूमिंग ग्रासेस ऑफ लो मैग्नीशियम कंटेंट जो जानवर हैं अगर वो लो मैग्नीशियम कंटेंट वाला घास खाते हैं इट्स दे सफर्स फ्राम हाइपोमैग्निजी विच इज़ नोन एज ग्रासन स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर एट नोन एज आंसर इज वेदर नेक्स्ट क्वेश्चन फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट पी एम ए इज दल यूज इन एग्रीकल्चर क्रॉप इन ऑर्डर टू रिड्यूज पी एम ए किस चीज़ के लिए यूज होता है इन ऑर्डर टू रिड्यूज ट्रांसपीरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन जो इज नोन एज कैमल क्रॉप और किंग ऑफ कोर्स ग्रेन्स क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड फोर्टीन प्लांट रिक्टेंगुलरिटी इज प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रो टू रो डिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन इन वाटर इरोजन थ्री मीटर डीप एंड मोर देन एटीन मीटर वाइड गली इज नोन एज उसे हम क्या बोलते हैं स्मॉल गली और उसे जी टू से डिनोट किया जाता है Next question In water erosion, 3 to 9 meter deep and more than 18 meter wide with a side slope 8 to 15 percent gully is known as medium gully. Next question The direction from which the wind is coming is known as Us direction. Uh, is is known as windward side. Next question Agronomic measures are used to reduce erosion where slope is. कहाँ तक के स्लोप के लिए इकनमिक प्रैक्टिस यूज की जाती हैं टू रिड्यूस इरोजन इफ द स्लोप इज लेस देन टू परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बेंच टेरेसिंग इज यूजली प्रैक्टाइज ऑन स्लोप्स रेंजिंग फ्रॉम सिक्सटीन टू थर्टी थ्री परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द हाईस्ट अवॉर्ड प्रेजेंटेड टू एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन द कंट्री हाइस्ट अवार्ड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को कौन सा दिया जाता है आंसर इज रेह रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड क्वेश्चन नंबर थ्री ट्वेंटी वन इन विच फाइव ईयर प्लान एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इन इंडिया वाज़ इनिशिएटेड इट वाज़ इनिशिएटेड इन द सेवन फाइव सेवंथ सॉरी सेवंथ फाइव ईयर प्लान नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस फील्ड्स इज कैरिड आउट बाई ब्रू गेन विद वाटर फर्न उसका नाम क्या है अजोला क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री द पैटर्न ऑफ प्लांटिंग विच हैज मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन वो कौन सा पैटर्न है जिस जो कि है मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन जिसमें आएगी आंसर इज क्यूबॉइडल पैटर्न नेक्स्ट क्वेश्चन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट्स एंड जीरो कॉम्पिटिशन उस पर, आ, कल्टिवेशन को क्या बोलते हैं पैरल क्रॉपिंग Next question: the variety of wheat which is resistant to all the three rust. Answer is Choti Larma. Next question: how many times a return crop of sugarcane is advisable? Answer is one time. Question number 327 Cultivation of two or more than two crop of different heights. साइमल्टेनियसली ऑन अ सर्टेन पीस ऑफ लैंड इन अ सर्टेन पीरियड इज़ नोन एज एक पीस ऑफ लैंड पे एक जमीन पर आ, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करनी है जिनकी हाइट डिफरेंट है उसे हम क्या बोलते हैं इज नोन एज मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग ऑफ वन हेक्टेयर राइस फील्ड इज कितना नर्सरी एरिया चाहिए होगा आंसर इज पॉइंट वन हेक्टेयर next question tip burn of paddy is due to reduced oxygen and nitrogen under submerged condition next question red and purple color of maize leaves due to deficiency of it is due to deficiency of phosphorus question number 331 the th the size of thompson seedless grape <clears throat> इज इंक्रीज बाई द एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन कौन सा हॉर्मोन अप्लाई किया जाता है आंसर इज जी ए थ्री विच इज जिब्रैलिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन इग्रॉनमी इज डराइव्ड फ्रॉम टू डैश वर्ड ये हमने पहले भी डिस्कस किया है इगरानमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स एग्रोस विच मीनिंग फील्ड एंड नोमस मीनिंग टू मैनेज नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द डेफिनेशन ऑफ इग्रॉनमी It is a branch of agriculture science that deals with methods which provide favorable environment to the crop for higher productivity. Next question who is known as father of agronomy Peter Decresenzi is known as father of agronomy. Next question who is the author of the book Opus Ruralium Camoderma Answer is Peter Decresenzi. Next question किसने बोला था आंसर इज वैन हेलमोन्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज फादर ऑफ वीडियो बोला जाता है आंसर इज जैथ्रोटुल नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हॉर्स हुईंग हजबेंड्री आंसर इज जैथ्रोटुल नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड वीड्स एंड जीरो टिलेज वॉज फर्स्ट गिवेन बाय वीड वर्ड एंड जीरो टिलेज वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था आंसर इज जेथ्रोटुल नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द साइंटिस्ट हु कंडक्टेड पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट टू इंक्रीज द ऑफ क्रॉप्स बाय अप्लाइंग सेवरल मटेरियल्स लाइक पोल्ट्री डंग लिटर गन पाउडर एक्सेट्रा आंसर इज अर्थर यंग नेक्स्ट क्वेश्चन हु गेव द कंसेप्ट ऑफ लीव एरिया इंडेक्स लीव एरिया इंडेक्स का कंसेप्ट किसने दिया था आंसर इज वॉटन how the leaf area index is calculated it is equal to total leaf area divided by ground area next question what is land equivalent ratio it means the relative land area occupied by a sole crop that is required to produce the yield achieved in intercropping it is known as land equivalent ratio नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ द लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इज कैलकुलेटेड इट इज कैलकुलेटेड एज यील्ड ऑफ इंटर क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग में कितनी यील्ड आ रही है डिवाइडेड बाई यील्ड ऑफ सोल क्रॉप एक अकेली क्रॉप कितनी यील्ड लेकर आ रही है वो क्या हो जाएगी हमारी लैंड इक्विवेलेंट रेशियो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ट इंडिकेट्स दैट इंटर क्रॉपिंग इज बेनिफिशियल ये तो सीधी सी बात है जब हमारी क्या है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो होगी इज़ ग्रेटर देन वन होगी यानी कि हमारी यील्ड ऑफ इंटर क्रॉपिंग ज़्यादा है यील्ड ऑफ सोल क्रॉप से तो वो वन से ज़्यादा आएगी तो उस टाइम पे क्या है इंटर क्रॉपिंग हमारी बेनिफिशियल है सोल क्रॉप ग्रो करने के बजाय नेक्स्ट क्वेश्चन लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इज वन पॉइंट वन जीरो वन पॉइंट टेन वट डज इट मीन्स इट मीन्स मिक्सचर गिव्स टेन परसेंट मोर यील्ड नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू टोटल क्रॉपिंग एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड व्हाट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इट इज़ वन थर्टी फाइव परसेंट वट इज क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन क्या है इन क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्सड बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर ऑन सेम लैंड क्रॉप रोटेशन में क्या होता है एक जमीन तो फिक्स है लेकिन उसके ऊपर हर साल चेंज करके कोई ना कोई और क्रॉप जो है उगाई जा रही है एग्जाम्पल आफ्टर कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स सीरियल्स उगा लें जैसे कि वीट हो गया राइस हो गया पल्स क्रॉप इज ग्रोन इन द नेक्स्ट ईयर इट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशंस के क्या क्या बेनिफिट होंगे आंसर इज इट मेंटेन्स एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी जब हम अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाएंगे तो वो क्या है सॉयल से अलग टाइप का न्यूट्रिएंट्स लेंगे डिफरेंट डिफरेंट उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होगी उससे क्या है मेंटेन रहेगी सॉयल फर्टिलिटी इट चेक द सॉइल इरोजन एंड कंजर्व मॉइस्चर द इंसीडेंट ऑफ हार्मफुल पैथजन इंसेक्ट पेस्टोड्स एंड वीड्स विच आर एसोसिएटेड विद पर मैनेज ज्यादातर हम देखते हैं कि अगर हम हर साल एक ही क्रॉप उगा रहे हैं जैसे वीट ही उगाए जा रहे हैं हर साल तो क्या होता है कि उसके इंसेक्ट पेस्ट ज़्यादा हर साल बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें हर बार क्या है वीट अवेलेबल हो रही है हर सीजन में लेकिन अगर हम अगले साल क्या है वीट की जगह कोई और क्रॉप लगा देंगे, तो उसका क्या है इंसेक्ट पेस्ट का और पैथोजन का वो क्या है खत्म हो जाएगा। so, crop rotation से हम क्या है In, uh, किसी भी पैथोजन का और इंसेक्ट पेस्ट का इंसिडेंट कम कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज क्रॉपिंग सिस्टम इट रेफर्स टू क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन फार्म देर एसोसिएटेड फार्म एसोसिएटेडर एंड द अवेलेबल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी

नेक्स्ट क्वेश्चन मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग इज फॉर थ्री टू टेन डेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलन बास्केट इन हनी बी इज़ फॉर्म्ड बाय पोलन बास्केट हनी बी में कहाँ प्रेजेंट होती है आंसर इज हाइंड टीबिया नेक्स्ट क्वेश्चन अ परसिस्टेंट पेस्टक्कर ऑन अ क्रॉप ऑलमोस्ट फॉर ट्वेल्व मंथ नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंसेक्ट विच विटामिन आर एबसेंट इंसेक्ट में कौन से विटामिन एबसेंट होते हैं आंसर इज विटामिन डी एंड के नेक्स्ट क्वेश्चन द नेम ऑफ येलो स्टेम्बोर इज येलो स्टेम्बोरर का साइंटिफिक नेम क्या है स्किपोफेगा इंसर्टुलस नेक्स्ट क्वेश्चन एक डाइसन इज क्रिएटेड बाई डाइक्सन कौन सी ग्लैंड क्रिएट करती है आंसर इज प्रोथोरेसिक ग्लैंड नेक्स्ट क्वेश्चन डार्क येलो कलर ऑन द लेबल ऑफ कंटेनर ऑफ पेस्टिसाइड इंडिकेट दैट पेस्टिसाइड इज पेस्टिसाइड कंटेनर के ऊपर डार्क येलो कलर का लेबल लगा हुआ है इट मीन्स पेस्टिसाइड इज हाईली टॉक्सिक नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रोमा डायोलॉन इज एन इफेक्टिव इट इज एन इफेक्टिव रोडेंटिसाइड्स रोडेंट्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउस फ्लाई स्प्रेड द डिजीज आंसर इज कॉलरा नेक्स्ट क्वेश्चन सैंड फ्लाईज ट्रांसमिट द डिजीज आंसर इज काला आजार नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रूट सकिंग मॉथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय आंसर इज बैगिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रूट्स के ऊपर बैग्स लगा दो उससे क्या है फ्रूट सकिंग मॉथ को कंट्रोल कर सकेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्राइसेलिस फाउंड इन स्टेम्बोर नेक्स्ट क्वेश्चन ई टी एल इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल फॉर कॉटन वॉलवॉम इन सेंट्रल इंडिया इज कौन सा ई टी एल लेवल यूज़ किया जाता है वॉलवॉम के लिए जिसके बाद के है हमें कोई भी स्प्रे करनी ही चाहिए इट इज़ फाइव परसेंट डैमेज ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज नेक्स्ट क्वेश्चन डेड हार्ट विद इन ट्वेंटी एट डेज ऑफ जर्मिनेशन इन सॉर्गम आर ड्यू टू ये किसकी वजह से होते हैं आंसर इज शूट फ्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन इन विंग्ड इंसेक्ट मीजो एंड मेटाथोरेसिक सेगमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज मीजो एंड मेटाथोरेसिक सेगमेंट को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं आंसर इज टेरोक्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सज आर अटैक्ड बोथ इन द फील्ड एंड स्टोरेज बाय कैलोसोब्रूकस नेक्स्ट क्वेश्चन जॉनसन ऑर्गन इज लोकेटेड ऑन ये कहाँ पे लोकेटेड होता है ऑन पेडिसल क्वेश्चन नंबर थ्री सेवनटी टू वट इज मैट्रिक पोटेंशियल आंसर इज द टोटल वाटर पोटेंशियल दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द सॉलिड कोलाइडल मैट्रिक्स ऑफ द सॉइल सिस्टम इज नोन एज मैट्रिक पोटेंशियल Next question: What is capillary potential? The energy with which water is held in the soil is known as capillary potential. What is seepage? Horizontal flow of water channel. So horizontal flow ho hai water channel mein, is known as seepage. Water loss from the irrigation channel or canal is mainly due to seepage. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ परकुलेशन परकुलेशन होती है जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है वाटर की थ्रू सैचरेटेड और नियरली सैचुरेटेड पोर्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी सीपेज तो हो गया जो हॉरिजोटल फ्लो हो रहा है साइड में जा रहा है परकुलेशन हो रहा है जो डाउनवर्ड जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी वट इज़ इनफिल्ट्रेशन एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम अपर लेयर ऑफ सॉयल्स इज इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन कहाँ पे होगी अनसेचुरेटेड सॉयल्स में होगी वट इज़ लीचिंग डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड फ्रॉम द रूट जोन विद वाटर जो वाटर के साथ न्यूट्रिएंट और सॉल्ट भी नीचे जा रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे लीची नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज सेचुरेशन कैपेसिटी सेचुरेशन कैपेसिटी कब आती है वेन ऑल द सॉइल फोर्स आर फिल्ड विद वाटर एट अ

नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी फील्ड कैपेसिटी पे टेंशन कितनी होती है आंसर इज माइनस पॉइंट वन टू माइनस पॉइंट थ्री थ्री एटमोसफियर नेक्स्ट क्वेश्चन फील्ड कैपेसिटी इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर प्लेट अप्रेटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वॉज प्रपोज बाई ये कंसेप्ट दिया था ब्रेक्स एंड शेंड्स ने इन नाइनटीन हंड्रेड ट्वेल्व नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लांट वॉज यूज एज इंडिकेटर प्लांट बाई ब्रिग्ज एंड शेंट टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट किस प्लांट को एज अ इंडिकेटर प्लांट यूज किया गया था आंसर इज सनफ्लावर नेक्स्ट क्वेश्चन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द डैश लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबल टू द प्लांट इट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबल टू द प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉयल मॉइस्चर टेंशन एट पी डब्ल्यू पी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे सॉइल में मॉइस्चर टेंशन कितनी होती है माइनस फिफ्टीन बार्स और फिफ्टीन एटमॉस्फेयर द कंसेप्ट ऑफ अवेलेबल वाटर वाज गिवन बाय वेहमेयर एंड हेंड्रिक्सन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ अवेलेबल वाटर इट इज़ द सॉयल मॉइस्चर अवेलेबल फॉर मैक्सिमम प्लांट यूज प्लांट यूज़ के लिए कितना सॉयल मॉइस्चर अवेलेबल है उसे बोलते हैं अवेलेबल वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल वाटर इज द पोर्शन ऑफ कपिलरी वाटर हैल्ड बिटवीन जो पानी फील्ड कैपेसिटी से लेकर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बिटवीन आता है वही क्या होता है अवेलेबल वाटर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट द मॉइस्चर कंटेंट एट विच विल्टिंग इज कंप्लीट एंड द प्लांट डाई इज कॉल्ड अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है विल्टिंग पूरी तरह से हो चुकी है और प्लांट जो है मर गया है उसे क्या बोलेंगे अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट एट अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट द सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज वहाँ पर सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितनी होती है माइनस सिक्सटी नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म पी एच गिवन बाई इट वॉज गिवन बाई सुरेंसन वट इज पी एच पी एच होता क्या है इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉग्रिथम ऑफ हाइड्रोजन आइन एक्टिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म पी एफ वैल्यू इज गिवन बाई ये टर्म दी थी स्कोफील्ड ने वट इज़ पी एफ द लॉग्रिथम ऑफ सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम टू गिव द नेसेसरी सेक्शन इट इज एक्सप्रेसड इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर पी एफ वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड सॉयल सेचूरेटेड सॉयल का पी एफ वैल्यू कितना होगा जीरो पी एफ वैल्यू एट फील्ड कैपेसिटी फील्ड कैपेसिटी पे पी एफ वैल्यू कितनी होती है टू पॉइंट फाइव थ्री फिल्टर चैम्बर इज प्रेजेंट इन फिल्टर चैम्बर जो कि इंसेक्ट के डाइजेस्टिव uh, सिस्टम में प्रेजेंट होता है सो ये थे हमारे फोर हंड्रेड बेस्ट लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की आप किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो उसकी रिविजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू